हमरे जॉब को जमा है। जहाँ तक कांग्रेस का बात है, मैं राहुल की बात नहीं करूंगा, ना व्यक्तिगत नाम लूंगा। जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं वो चेहरा बताए ना, और जो 50 साल देश की जनता ने एक तरफा उनको मौके दिए, 400 सीटें दिए, ना धारा 370 हटा पाए, ना ट्रिपल तलाक का मुद्दा हटा पाए, ना कश्मीर का मसला हट पाए। अब जब इनको जनता ने बाहर कर दिया तो OBC याद आ रहा है, दलित याद आ रहा है, और मुस्लिम याद है, और मुस्लिम के साथ जो तुष्टिकरण की राजनीति की, जो मुस्लिम को दबाया गया, जो हाशिए पे मुसलमान भाई है उनकी जाति पे नाम नहीं बताएंगे, हिंदुओं को जातियों में बांट दिया, तू ब्राह्मण है, तू जाट है, तू यादव है, तू कुमार है, तू बनिया, ये उसमें तो इनकी जनगणना होगी। जहाँ 17% में क्रिश्चियन है और मुसलमान है, मुसलमान है, मुसलमान में भी जाते हैं, उनका जाति जनगणना क्यों नहीं करते? और 50 साल कम नहीं होते, एक एम्स के बाद दूसरा एम्स की नींव नहीं टेक पाए, जो एक एयरपोर्ट बनाकर दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बना पाए, ये है कांग्रेस का चरित्र और चित्रण। किस कांग्रेस ने इतिहास का मान अपमान किया है, और 9 साल में जो हुआ ना, सबका साथ सबका विकास, जो 4 मजहब सच्ची बिरादरी काम किया है, कमियां रही होंगी, अब जिस गति से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, स्टार्टअप हुआ है, जो डिजिटल की बात करते थे, डिजिटल कैसे आएगा, तो डिजिटल ला के दिखाया ना, UPI से पेमेंट हो रही है ना, कोई नौकरी हटाई है क्या? सिर्फ इनका काम है इस देश का अपमान करना और विदेश में जाकर विदेशियों का गुणगान करना। अब ये काम नहीं चलेगा, विदेशियों ने भी लोहा मनाया, अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश, रूस जैसा पावरफुल देश आज देश के सामने भारत के तिरंगे के निशान को सलूट करता है, तो ये देश की जनता की जीत है और कमल के फूल के निशान की जीत है। तो क्या कहेंगे कि इतना बड़ा आरोप रावण बता देना, पूरी सत्ता को रावण की सेना बता देना, क्या लगता है 24 में फर्क पड़ेगा? देखिए कोई, देखिए आप जो राउंड राउंड की बात करें आप कीजिए, ना मेरी संज्ञान में, ना मैं बोलूंगा इसके ऊपर। जो भारतीय जनता पार्टी को 2 बारी जनता ने कमल के फूल का निशान दबाकर 14 में प्रचंड बहुमत से सांसद बनाकर संसद दल का नेता चुनकर प्रधानमंत्री बनाया, तो 19 में भी ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी और जनता ने कमल के फूल का बटन दबाकर प्रचंड बहुमत से सांसद बनाकर संसद दल का नेता चुनकर माननीय प्रधानमंत्री जी को पद तक पहुंचाया। ऐसे ही जनता जनार्दन है, जनता लोकतंत्र की भगवान है, और ऐसे ही कमल का फूल 2024 में बटन दबाकर जनता अपना मत देकर और संसद दल का चुनाव दल का नेता चुनकर प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? वो कह रहे गोडसे की राह पर चल रहे हैं प्रधानमंत्री जी। देखिए विपक्ष का काम है, वो गोडसे बोले, कुछ बोले, कुछ भी बोले, देश के युवा डेवलपमेंट को देख रहे हैं, स्किल को देख रहे हैं, और जो जवान है, जिन जवानों के आज पहनने के लिए जूते नहीं होते थे, जैकेट होती थी, उस सेना के जवानों का मनोबल जाके दिवाली को आज तक किसी प्रधानमंत्री ने बनाई है। हर दिवाली हर एक अलग अलग क्षेत्रों में जाए जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए, हर एक खाने की व्यवस्था अच्छी करने के गुणवत्ता के साथ, और जो उनको पहनने के वर्दी के जो है गुणवत्ता के साथ उनको मुहैया कर दिया। आज का देश का युवा जवान और किसान और 4 मजहब 36 बरादरी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कमल के फूल के साथ है। लेकिन कह रहे हैं कि दिवाली मनाते हैं, रामराज की बात करते हैं, लेकिन ईद क्यों नहीं मनाते प्रधानमंत्री जी? देखिए ये धर्म के क्यों नहीं मनाते, और जो नहीं, जो आप बात कर रहे हैं, जो कब नहीं है, कब नहीं का, कौन सी मस्जिद में नहीं है, और जो बात कर रहे हैं, ऐसा मुस्लिम देश जो जहाँ पर मस्जिद है वो मंदिर बनवाता है, इससे बड़ा विदेशी देश जो शक्तिशाली मुस्लिम साम्राज्य रखता है वो मोदी का स्वागत करते हैं, जो सऊदी अरब है वो सामने नमस्तक होता है, और यहाँ के जो कुछ पॉलिटिशियन है जो इस देश की खाई को भरने नहीं देते, हिंदू मुस्लिम विपक्ष कर रहा है, मोदी ने सबका साथ सबके विकास के साथ काम किया है, हर एक 4 मजहब 36 बरादरी को एक समान एक सूली में ताना है। आज दलित की बात करिए, कांग्रेस दलित के चरण माननीय प्रधानमंत्री जी धोकर माथे को लगाते हैं, OBC की बात करते हैं, OBC कोटे से माननीय प्रधानमंत्री आते हैं, जो मान सम्मान गरीब का, दलित का, और जो अन्य पिछड़ी जाति थी, और ऐसे बात कर रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी कौन थी, और उन्हीं का अपमान करने के लिए राष्ट्रपति चुनाव में एक महिला आदिवासी महिला के खिलाफ किसने चुनाव लड़वाया था, और मुंगी खाकर वो बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी, तो यही है जो कलाम साहब का अपमान कर को राष्ट्रपति बनने में अटकल लगा रहे थे, कलाम साहब तो सबके आइकॉन थे ना, और मुस्लिम समाज से थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति बनाकर अपना काम निभाया। और जो नई संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं ले गए? देखिए वो जो अलग है, जो विषय है उसका सरकार को है, महिला आरक्षण की बात चली, लेकिन देखिए महिलाओं को ही नहीं ले गए, क्यों नहीं ले गए? महिलाओं का, महिला को कहा नहीं समा
सम्मान, महिला का सम्मान 27 साल से कांग्रेस के पास का नहीं था, UPA 1 UPA 2 नहीं था, क्यों नहीं लेकर आए? और ये महिला आरक्षण बिल को ये कह रहा है राहुल गांधी फाड़ कर फेंक दिया था, यही राहुल गांधी है ना? महिला बिल को तो समर्थन कर रहे हैं ना? क्या अब तो समर्थन कर रहे हैं ना? क्यों नहीं समर्थन करेगा? आज हम लोग चांद पर गया है, मालूम है चांद पर क्या मिला है? चांद पर यूरेनियम मिला है, 1 किलो यूरेनियम का 100 करोड़ दाम है, जो कि पहले रावण बनाया था पुष्पक विमान बिना पॉल्यूशन का देश में। सवाल, वो तो कह रहे हैं कि महिला आरक्षण का भी इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, क्योंकि लागू नहीं करने से जो है मना कर रही है, 29 का बता दिया है। देखिए भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को कितनी ज्यादा सांसद है पता आपको? और जो यही कांग्रेस 50 साल से 26 साल से इस को महिला का इनके पास एजेंडा नहीं था, कितनी महिलाओं को टिकट दी है, कितनी महिलाओं को इनका पंचायत में टिकट दिया है, सिर्फ इनको प्रोपेगेंडा रचना जब भारतीय जनता पार्टी का देती है तो उनका करता तो उसमें होता है, तो इनके पेट में दर्द होता है, जो काम नहीं कर पाए अपनी नाकामी छुपाने के लिए विपक्ष आज सत्ता पक्ष काम कर रहा है। आज 9 साल में देश की गति बढ़ी है तो 50 साल में नहीं बढ़ा पाई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज बन रहा है, रोडों का जंजाल बच रहा है, इनकी सोच नहीं थी, जहां तक इनकी सोच नहीं थी वहां तक रेलवे लाइन बिछा दी है, कन्याकुमारी से और जम्मू कश्मीर तक रेलवे लाइन का जंजाल बिछ गया, आज जो स्टेशन थे आज उपग्रहण नहीं कर पाए, आज जाके देख लेना आप कितने आधुनिक तरीके से स्टेशनों की कायाकल्प हो रही है, जहां तक पैसों का भ्रष्टाचारों का एजेंडा रखते थे, जो जनता के पैसे खुद प्रधानमंत्री जी इनके कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे 100 रुपये 1 रुपया भेजते हैं जाते जाते 10 पैसे बच जाता है, तो ये बातें जनता जानती है, जनता जागरूक है और जनता ने जान लिया पहचान लिया है, आने वाले चुनाव में इनको मुंह की खानी जनता ने सिखाया और लोकतंत्र की बहुत जनता है पता आपको। और जो यही कांग्रेस 50 साल से 27-26 साल से इस को महिला का इनके पास एजेंडा नहीं था, कितनी महिलाओं को टिकट दी है, कितनी महिलाओं को इनका पंचायत में टिकट दी है, सिर्फ इनको ने प्रोपेगेंडा रचना जब भारतीय जनता पार्टी का देती है तो उनका करता तो उसमें होता है, तो इनके पेट में दर्द होता है, जो काम नहीं कर पाए अपनी नाकामी छुपाने के लिए विपक्ष आज सत्ता पक्ष काम कर रहा है, आज 9 साल में देश की गति बढ़ी है तो 50 साल में नहीं बढ़ा पाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज बन रहा है रोडों का जंजाल बच रहा है, इनकी सोच नहीं थी, जहां तक इनकी सोच नहीं थी वहां तक रेलवे लाइन बिछा दी है, कन्याकुमारी से और जम्मू कश्मीर तक रेलवे लाइन का जंजाल बिछ गया, आज जो स्टेशन थे आज उपग्रहण नहीं कर पाए, आज जाके देख लेना आप कितने आधुनिक तरीके से स्टेशनों की कायाकल्प हो रही है, जहां तक पैसों का भ्रष्टाचारों का एजेंडा रखते थे, जो जनता के पैसे खुद प्रधानमंत्री जी इनके कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे 100 रुपये 1 रुपया भेजते हैं जाते जाते 10 पैसे बच जाता है, तो ये बातें जनता जानती है, जनता जागरूक है और जनता ने जान लिया पहचान लिया है, आने वाले चुनाव में इनको मुंह की खानी जनता ने सिखाया और लोकतंत्र की बहुत जनता है।